हाँ तो गाइस, अगर आप भी इस तरह के एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन अंदर आपको सारे डाउनलोड लिंक देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो भी XML फाइल यानी कि प्रोजेक्ट फाइल होगा उसे अलर्ट में से आपको ना इंपोर्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे अलर्ट में से एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट सेक्शन पे आना है, और फिर यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क जो प्रोजेक्ट है इसे सबसे पहले ओपन कर लेना है, और फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आप सभी को जो फोटो लेयर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे फोटो ऐड करना है। उससे पहले आप सभी को जो है फोटो को 9:16 में क्रॉप करना है। तो कैसे क्रॉप करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लास्ट में चले जाना है और फिर यहाँ पे प्लस वाला टैप करना है, मीडिया पे आ जाना है, और फिर यहाँ पे जो मॉडल का फोटो आप ऐड करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और फिर थोड़ा सा आगे आना है और फिर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसे यहाँ पे फील कॉम्पोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद यहाँ पे और एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फिंगरप्रिंट से एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बैक चले जाना है और फिर यहाँ पे इस एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे करंट फ्रेम एज पीएनजी यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पे आपको जो फोटो एक्सपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक सेव का बटन दिखेगा, यहाँ पे टैप करके इस फोटो को सेव कर लेना है तो ये फोटो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद इसे जो डिलीट कर देना है। तो इस तरह से आप सभी को टोटल 7 फोटो को जो क्रॉप कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट एकदम स्टार्टिंग में चले आना है और फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे जो फोटो लेयर है इसके ऊपर टैप करना है, कलर एंड फील पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे टैप करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप सभी का जो सारे फोटोज वीडियो देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद सारे फोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर मॉडल का फोटो है अगर आपने अलर्ट में से अंदर क्रॉप किया था फोटो तो यहाँ पे अलर्ट में से फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरे कुछ फोटो को क्रॉप है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी फोटो पसंद आए उस फोटो को ऊपर इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद प्लस मैंने टैप करके ऐड कर लेना है, उसके बाद यहाँ से बैक चले जाना है और फिर इस एड पे क्लिक करना है और फिर थोड़ा सा आगे आ जाना है और फिर यहाँ पे ग्रुप का कुछ रेड कलर का जो लेयर देखने को मिल जाएगा तो इन ग्रुप में भी फोटो ऐड करना है। फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे ग्रुप लेयर पे टैप करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आना है तो यहाँ पे छोटे छोटे लेयर देखने को मिल जाएगा तो इन लेयर में फोटो ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए लेयर पे टैप करना है, कलर एंड फील पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से सेकेंड फोटो को जो ले लेना है और फिर प्लस वाला टैप करके इसे ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको इसे डबल डबल पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे कॉपी लेयर का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे डबल डबल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेना है और फिर से डबल डबल पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्टाइल का आगे एक छोटा सा एरो दिख रहा है उसके ऊपर टैप करना है और फिर यहाँ पे जितने भी आपको ग्रीन कलर दिख रहे हैं इनको क्लिक करके इसे ब्लैक करके ऑफ कर देना है। बस आपको जो यहाँ पे कलर दिख रहा है ना इसको आपको ग्रीन रख देना है, उसको यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है जिससे एक ही बार में जो फोटो यहाँ पे सारे लेयर पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में जितने भी लेयर होगा वहाँ पे सेम फोटो को ऐड करना है। उसको ध्यान से बैक चले जाना है तो जब बैक करेंगे तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग के तरफ पहुंच जाएंगे। उसको फिर से आपको आगे आ जाना है और यहाँ पे अपने फर्स्ट ग्रुप पे ऐड कर चुके हैं तो यहाँ पे सेकंड ग्रुप के अंदर भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आना है और यहाँ पे किसी एक लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फील पे जाना है, यहाँ पे टैप करना है और फिर यहाँ पे आपको सेकंड जो थर्ड फोटो है यहाँ पे आपको जो ले लेना है और फिर प्लस टैप करके ऐड कर लेना है। उसके बाद फिर से डबल डबल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कॉपी लेयर पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से डबल डबल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेना है, उसका डबल डबल पे क्लिक करना है, पेस्ट स्टाइल का आगे जो छोटा सा एरो दिख रहा है इसको टैप करना है और फिर इस तरह से क्लिक करके इनको ऑफ कर देना है। बस इस कलर को ऑन रखना है ग्रीन कलर का करके उसके बाद पेस्ट पे क्लिक कर देना है जिससे यहाँ पे फोटो आ जाए, उसको बैक कर लेना है। तो इस तरह से जितने भी लेयर ग्रुप है उनमें आप सभी को फोटोज ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो सारे ग्रुप के अंदर फोटो ऐड कर चुका हूँ तो जैसे यहाँ पे आप सभी लोग फोटो ऐड कर लेते हैं ग्रुप में उसके बाद यहाँ से बैक चले जाना है और फिर यहाँ पे इफेक्ट का एक प्रोजेक्ट दिखेगा उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप डबल डबल पे क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेना है और सिलेक्ट ऑल लेयर करने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे
जो है कॉपी सेवन लिया कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक चले जाना है, फिर से सॉन्ग बीट मैप प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसे डबल डबल पे क्लिक करना है और पेस्ट सेवन लिया कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आपसे पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका वीडियो जो है बन चुका है। बस लास्ट में आप सभी को जो है बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करना है उसका भी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को जो एक्सपोर्ट कर लेना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और भी मस्त वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।